गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का ईएडी परिवार के साथ। आप सभी विद्यार्थियों का करंट अफेयर क्लास में स्वागत है आप लोगों का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए विद्यार्थी, आप लोगों की क्लास डेली मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्ट होती है और मैं वैसे भी विद्यार्थियों 4:45 पर आपका लगभग स्टूडियो पहुँच जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आजकल समझो विद्यार्थियों क्लास को स्टार्ट करने में समय लग रहा है। ठीक है, तो चलेगा, जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए पहला क्वेश्चन आप किस किस के सामने जो दिया गया, क्या पूछा गया, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर मंथ में आता है हमारा। और किस दिन आता है विद्यार्थियों, ये आता है आपका यानी कि 14 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। जस्ट वन मिनट, चलेगा। तो कब आएगा विद्यार्थी हमारा, तो ये 14 अक्टूबर को आएगा। ठीक है, 14 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस नियामकों विद्यार्थियों और उपभोक्ताओं और उद्योग के बीच में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानवीकरण के महत्व को के बारे में जागरूकता पैदा करता है और पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, हम लोग कहते हैं ना कि जो इंटरनेशनल ISO की हम लोग जो बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के तौर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले ही बात करी थी मैंने कि पहले से यहां पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ये कौन से राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिएगा यहां आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये है मेरे विद्यार्थियों आपका उत्तर प्रदेश। यहां पर क्या आएगा आपका उत्तर प्रदेश। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है हमारा, तो देखिएगा लखनऊ और वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ और वाराणसी में पहले से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब यहां पर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। कहां पर विद्यार्थी हमारे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को यानी कि कल ही भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, इस कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को भी शामिल होना है। इस जो यहां पर उद्घाटन समारोह है, इस उद्घाटन समारोह में श्रीलंकन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे भी यहां पर क्या होंगे, शामिल होंगे। आगे देखिएगा जोनास विद्यार्थी, यहां पर क्या दिया गया, जोनास गहर स्टोरे किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। ठीक है, बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, जोनास गहर स्टोरे हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, किस देश के, तो ये चुने गए किस देश के आपका, याद रखना नॉर्वे। नॉर्वे जिसे नॉर्वे, इसकी कैपिटल कहां पर, ओस्लो, और इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है, किसे, नॉर्वे को। और नॉर्वे आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलता है, जो पीस प्राइज है आपका, जो शांति पुरस्कार है, वो नॉर्वे कैपिटल ओस्लो में ही दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा नॉर्वे आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, कहां पर, यूरोप के अंदर हमें नॉर्वे देखने को मिलेगा। चलेगा अगला सवाल देखिएगा, नव निर्वाचित प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी जो कहां पर आपके, तो नॉर्वे के अंदर, अभी इन्होंने 2021 में क्या है, 14 अक्टूबर 2021 को सत्ता संभाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। टीम इंडिया के राष्ट्रीय कोच पद के लिए किसे चुना गया, यहां पूछा गया हु इज द विद्यार्थियों फ्रंट रनर विद्यार्थियों फॉर द पोस्ट ऑफ टीम इंडिया नेशनल कोच, भारतीय टीम के राष्ट्रीय कोच के रूप में जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है, राहुल द्रविड़, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो देखिएगा यहां पर जो नाम सबसे आगे आ रहा है वो नाम कौन सा है, राहुल द्रविड़, समझो राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में चुने जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के विद्यार्थी क्या होंगे, कोच होंगे राहुल द्रविड़। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल देखिए विद्यार्थी हमारा, अगला सवाल क्या पूछा गया, 2021, देखिए 2019 में बताया आपको, 2020 में बताया, अब 2021, 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी 2021 में, जबकि 2019 में 102, 2020 में 94, अब 2021 में व्हाट वाज द इंडिया रैंक ऑन द 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक कौन सी है, ऐसा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 101, क्या आएगा विद्यार्थी आपका, यानी 101वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 101वीं रैंक है इस बार। देखिए 2019 में बताया ना कि 102वीं थी, फिर आपका 2020 में 94वीं आती है, और 2021 में कौन सी हो गई, 101, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो देखिए 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कुल 116 देशों में 101वें स्थान पर था, ठीक है। 2021 में विद्यार्थी जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है, तो भारत 27.5 के स्कोर पर यहां पर क्या विद्यार्थियों कहां पर पहुंच गया आपका, तो 101वें रैंक में पहुंच गया 116 देशों की स्थिति में। जो ये रैंक दी गई विद्यार्थियों कितना, 116 देशों की, मैं भारत का रैंक कौन सा है, 101, ठीक है। चलिए देखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां जो संस्करण था वो किस टीम ने जीता, विच टीम हैज वॉन द 14th एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। तो इस बार चेन्नई सुपर किंग विद्यार्थियों, ठीक है ना, किसने, चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को फाइनल में हराकर, समझो ये अपना लगभग चौथा एडिशन जीता इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। यहां देखिएगा, एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग ने 15 अक्टूबर 2021 को आईपीएल 2021 के फाइनल में इयान मॉर्गन वाली, मॉर्गन की अगुवाई वाली विद्यार्थी कोलकाता नाइट राइडर को 27 रनों से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां एडिशन था ये जीता, ठीक है। सीएसके का ये चौथा आईपीएल खिताब था, चेन्नई सुपर किंग का ये कौन से नंबर का, चौथा, ठीक है। जबकि जो 14वां एडिशन हुआ आईपीएल का, आईपीएल लगभग आपके 2007 में शुरू हो गया था जहां तक मुझे याद है, वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2007 में ही शुरू हुआ था पहली बार, और अभी 2021 में भी हो रहा है ना T20 वर्ल्ड कप आपका ओमान, उसके साथ साथ विद्यार्थी आपका ओमान के साथ साथ इन खेलों का आयोजन कहां पर होगा, यूएई के अंदर भी होगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट देखेंगे, यहां पूछ है, उस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम बताएं, उस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे रिटोस विद्यार्थियों फैमिली भी आपका समिट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन साइंस, इंडियन अमेरिकन साइंस से हुआ गौतम विद्यार्थी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिटोस विद्यार्थियों फैमिली समिट। तो ये मिला किसे आपका, तो मैंने कल भी बताया होगा आपको, विवेक लाल विद्यार्थी, ठीक है ना, लल करके विवेक लल। चलेगा आगे देखिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, किस देश ने, यहां पूछा विच कंट्री हैज लॉन्च फर्स्ट सोलर विद्यार्थियों एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, नेम जिसका नाम क्या है विद्यार्थी हमारा, सीहे करके, ठीक है ना, सीहे, जो कि ऑन बोर्ड ऑफ द लॉन्ग मार्स 2 सेकंड रॉकेट, ठीक है ना, नाम का सीहे नाम का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया चीन के द्वारा, भारत के पड़ोसी देश चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है ना। जस्ट वन मिनट, एक मिनट रुकेंगे विद्यार्थी आप लोग,
चलेगा विद्यार्थियों, ठीक है ना, चलेगा। तो ये किसका चीन का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी हर साल अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। और एनएसजी के लिए एक सवाल सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है। तो एनएसजी विद्यार्थी आपका ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जो एनएसजी है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है एनएसजी। तो ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एनएसजी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आने समझ में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, जिसे ब्लैक कैट के नाम से भी भारत में जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एनएसजी विद्यार्थी आपका किस वर्ष इस्टेब्लिश हुआ था, ढूंढ के इसी वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में बाद में लिख लीजिएगा, स्ट्रीमिंग के बाद अगर समय रहेगा आप लोगों के पास तो जरूर लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। अब चलते हम लोग संजीवनी सीरीज, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम है, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो आपका संजीवनी सीरीज है विद्यार्थियों, उसे ध्यान में रखते हुए, तो देखिए आपका पहला सवाल क्या दिया गया कि 2023 में कौन सा राष्ट्र हिंद महासागर खेलों की मेजबानी करेगा। विच नेशन विल बी होस्ट द इंडियन ओशन गेम इन 2023 में, तो जो ये खेलों का आयोजन होगा आपका, तो ये कहां पर होगा, ठीक है। तो इन खेलों का आयोजन जो होने वाला है आपका कहां पर, मेडागास्कर के अंदर। यहां हमें एक नाम देखने को मिल रहा है, मेडागास्कर। हमें एक नाम कौन सा देखने को मिल रहा है, मेडागास्कर देखने को मिल रहा है। तो मेडागास्कर के बारे में कुछ सवाल मैं आपको बता दूं, तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। तो जस्ट जैसे इंडिया में श्रीलंका दिखता ना, तो इस तरफ यहां पर आपको जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये इंडियन ओशन वाला पार्ट है, यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड अकॉर्डिंग टू एरिया, समझ, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इसे एक स्ट्रेट, मोजाम्बिक स्ट्रेट क्या करती है, अलग करती है। अक्सर पूछा जाता है कि मोजाम्बिक स्ट्रेट किसे अलग करती है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मेडागास्कर को अलग करता है। आपको याद होगा कि भारतीय नेवी के द्वारा इसी मेडागास्कर क्षेत्र में, या मेडागास्कर को जो एक सहायता मानवीय आधार पर जो सहायता दी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा, जिसे भारतीय नेवी के द्वारा ऑपरेशन वनीला नाम दिया था, और INS एरावत को यहां पर भेजा गया था सहायता के लिए, जब एक चक्रवाती तूफान के बाद यहां पर काफी ज्यादा रेनफॉल हुआ था, ठीक है ना। बात चलेगा, अगला सवाल देखिएगा, खुले तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बैन उस विद्यार्थी यहां पर टैंबैको एंड सिगरेट सेल, ठीक है। तो खुले में तो ये बना विद्यार्थी पंजाब। वैसे इससे पहले अगर ई सिगरेट की बात करेंगे तो ई सिगरेट राजस्थान ने प्रतिबंध लगाया, और खुले में विद्यार्थी यानी कि खुला जो जो तंबाकू और सिगरेट बेचना पर जो प्रतिबंध लगाया गया पंजाब, और महाराष्ट्र भी ऐसा कर चुका है, ठीक है ना, महाराष्ट्र भी ऐसा कर चुका है पहले, चलेगा, ठीक है। और भारत में तंबाकू फ्री यानी कि तंबाकू मुक्त पहला जो राज्य बना, वो राज्य कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड ने स्वयं को विद्यार्थियों तंबाकू मुक्त राज्य घोषित किया, किसने, स्वयं को, ठीक है। यहां पर किसकी बात करेंगे, नागालैंड की, ठीक है। और आप जानते हो कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नो टैंबैको डे के रूप में 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के अंदर जो तंबाकू लाने का जो श्रेय जाता है विद्यार्थियों, तो वो जाता है किसे, पुर्तगालियों को। 1515 ईस्वी में इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी, तो यूरोपियन यानी पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, ठीक है, चलेगा। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान
या तादोबा राष्ट्रीय उद्यान या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य के अंदर है? चंदौली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य रहेगा आपका महाराष्ट्र। कहां पर स्थित है आपका? महाराष्ट्र। क्योंकि तादोबा अंधेरी बताया था आपको, वो भी यहीं पर है आपका, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र से जो सवाल मुझे रिसेंट के एग्जामों में देखने को मिले, जैसे कि जो भी वनडे एग्जाम है आपके, उन वनडे एग्जामों में देखने को मिला, जैसे पूछता आपका कि आर्टिकल 356 का प्रयोग महाराष्ट्र में अब तक कितनी बार हुआ। तो आर्टिकल 356 का मतलब है राष्ट्रपति शासन अब तक महाराष्ट्र में 3 बार लगाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर प्रसिद्ध गणपति उत्सव या शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव आपका 1895 में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। फिक्की का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो विद्यार्थियों, फिक्की इसकी स्थापना 1927 में होती है, 1927 में इसकी स्थापना होती है। हमसे सवाल पूछा गया कि इनमें से किसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से या पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनमें से किसे किया गया? तो यहां पर ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है डी दोनों को, बजरंग पूनिया और एलावेनिन विद्यार्थी आपका वेलारिवन। ठीक है ना, तो इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच स्टेट हैज रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर प्रमोटिंग विद स्पोर्ट्स एट द फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया मेरे विद्यार्थी किसे? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात की जाए, जैसे यहां की कैपिटल क्या आपका? भोपाल। अब भोपाल में आप लोग जानते हो ना, मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, इसे कृत्रिम झीलों का शहर भी कहते हैं, आर्टिफिशियल लेक का शहर भी कहा जाता है इसे। किसे? भोपाल शहर को। ठीक है ना, आर्टिफिशियल लेक का शहर इसलिए कहा जाता है, यहां पर बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ नेशनल जुडिशियल एकेडमी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर ही है। दूसरा सवाल देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करेंगे तो पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच यहां पर है, वन विहार आपका यहां पर है, और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर ये 11 टाइगर रिजर्व। ठीक है, और उसके बाद आपका दलहनी फसलों में सबसे ऊपर है विद्यार्थियों, प्रोडक्शन में, दलहनी फसलों के प्रोडक्शन में, तो इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मध्य प्रदेश। चलेगा, नेक्स्ट चलेंगे, युवा गणितज्ञों के लिए 2020 में रामानुज पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? Who has been awarded 2020 रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? तो ये पुरस्कार दिया गया आपका, किसे दिया गया होगा विद्यार्थियों? तो ये दिया गया आपका बिल्कुल कैरोलिना आर्जू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, युवा गणितज्ञों में से 2020 में जो रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? कैरोलिना आर्जू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन की जो शाखा है, इसी के द्वारा इस इवेंट को रखा जाता है, और प्रत्येक वर्ष ग्लेशियर हो चाहे विद्यार्थी माउंटेन हो, इनकी सुरक्षा के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है, समझो। तो ये प्रत्येक वर्ष आपका 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, पर्वत दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 अब 21 तो अब आएगा, लेकिन 2020 की हमसे बात करते हैं कि व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020। तो 2020 में ये जो थीम रखा गया था आपका क्या था, माउंटेन बायोडायवर्सिटी, माउंटेन बायोडायवर्सिटी इसका थीम रखा गया था 2020 के लिए। ठीक है, बस दो ही सवाल यहां से बनते, एक तो आता आपका डे और दूसरा आता आपका थीम। डे और थीम को याद करने का तरीका, पहले तो आप मंथ वाइज डेट को याद कर लीजिएगा और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी एग्जाम में जाना है तो एग्जाम जिस मंथ में आपका एग्जाम है उस मंथ, उससे पहले और उसके एक बाद, यानी 3 महीनों की कम से कम डेट याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट डेट तो याद होनी चाहिए क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में आपको हर एग्जाम में एक डेट या उसकी थीम पूछी जाती है। ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। यहां क्या पूछा गया, यूनेस्को ने एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है जिसका नाम किस राजनीतिज्ञ के नाम पर रखा जाएगा। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज दैट विल बी नेम्ड आफ्टर द विस्लिट विद्यार्थियों पॉलिटिकल फिगर। ठीक है ना, तो किसके नाम पर, तो ये शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की आजादी में सबसे बड़ा सहयोग रहा इनका भी 1971 में। ठीक है, जब पूर्वी पाकिस्तान से आज वर्तमान जैसे आप लोग बांग्लादेश कहते हैं ना, तो पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ था। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान। आगे देखिएगा, राज कमल झा ने अपने किस उपन्यास के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। यहां क्या पूछ रहा आपसे, राज कमल झा ने अपने किस उपन्यास के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। तो देखिए, राज कमल झा को इस पुरस्कार के लिए किसके लिए दिया गया विद्यार्थियों ने, बिल्कुल यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसके लिए दिया गया, द सिटी एंड द सी, समझो द सिटी एंड द सी के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020-21 में ये जो दिया गया, तो ये दिया गया किसे, आपका राज कमल झा को। नेक्स्ट चलेंगे, सरकार ने किस भारतीय राज्य में न्यूट्रिनो वैधशाला स्थापित करने का योजना बनाई है। तो ये 2019-20 में निर्णय लिया गया कि न्यूट्रिनो वैधशाला स्थापित की जाएगी, ये तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये कहां पर, हमारे तमिलनाडु। ठीक है, अब तमिलनाडु राज्य का नाम आया तो यहां से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि भारत का पहला बायोडायवर्सिटी क्षेत्र, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र या जैव विविध क्षेत्र आपका, या बायोडायवर्सिटी क्षेत्र किसे घोषित किया गया था, तो वो किया गया था नीलगिरी को, और नीलगिरी कहां पर आपका, तमिलनाडु के अंदर ही है। ठीक है ना, ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर ही। तमिलनाडु का जो समुद्री एरिया है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ एरिया है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं विद्यार्थियों जो पूर्वी घाट का कौन सा हिस्सा है, कोरोमंडल। जैसे आपसे पूछ लिया कि चेन्नई पोर्ट या कराईकल या मछलीपट्टनम या तूतीकोरिन, ये कौन से पोर्ट का हिस्सा है विद्यार्थियों, या कौन से घाट का हिस्सा है, तो ये कोरोमंडल तट का हिस्सा है, कोरोमंडल। ठीक है, या पूर्वी घाट का हिस्सा है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो अभी इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया कि देखिए इसे कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक कब से जारी किया जा रहा है, इसमें बाद में 2010 में क्या क्या इसमें और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये किस आधार पर जारी किया जाता है, तो सारी चीजें आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने मानव विकास सूचकांक में अच्छे से बता रखा। ठीक है ना, कि MPI क्या होता है विद्यार्थियों, ठीक है ना, GII क्या होता है आपका, या मानव, देखो तीन रैंके जारी की जाती है UNDP के द्वारा, समझो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ये तो मल्टी डायमेंशनल विद्यार्थियों पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया जाता है, समझो विद्यार्थी, यहां पर क्या दिया गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी जारी किया जाता है, HDI रैंकिंग यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलेंगे, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, 131वें। और
IHDIB जारी किया जाता है। IHDI ये चार रैंकिंग एक साथ जारी की जाती है। IHDI का मतलब इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा। और पहले तो सिर्फ HDI जारी किया जाता था, लेकिन 2010 में ये तीन चीजें उसमें जोड़ी गई। किसके आधार पर विद्यार्थियों? कि आप यहां पर शिक्षा का आधार क्या है, जीवन प्रत्याशा का आधार क्या है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ये तीन चीजें जो मानक है आपके, वो मानक क्या है विद्यार्थियों? शिक्षा एजुकेशन की विद्यार्थियों, क्वालिटी की बात करेंगे हम लोग वहां पर, हम लोग बात करेंगे जीवन जीना यानी कि जो मूलभूत चीजें हैं वो किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है या उसकी स्थिति क्या है, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की बात करेंगे। तो इन तीन आधार पर ये चार रैंक जारी की जाती है। पहला मानव विकास सूचकांक, दूसरा IHDI, ये क्या होता है आपका इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहां पर क्या विद्यार्थियों MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और GII का मतलब होगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये चार रैंक जारी की जाती है, जिसमें से HDI 1990 से जारी की जाती है और बाकी तीन आपका 2010 से जारी की जाती है, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट चलेंगे एसोचेम, यानी कि यहां पर क्या है एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जिन व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, तो व्यक्ति कौन है विद्यार्थियों? विनीत अग्रवाल। कौन है? विनीत अग्रवाल, ठीक है ना, रेलवे बोर्ड के वो सुनीत शर्मा है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए किसान आंदोलन भी चल रहे हैं, तो आपसे पूछ लिया गया कि किसान दिवस कब मनाते हैं, ठीक है ना, आपसे क्या पूछ लेगा कि किसान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की विद्यार्थियों बर्थ एनिवर्सरी को, किसान घाट याद होगा आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक कौन सी है, 63वीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब संविधान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आप जानते हो कि 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब ये संविधान सभा 9 दिसंबर 11 दिसंबर से अपना काम करना प्रारंभ करता है, तो वहीं से मानक माना जाता है आपका, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय लेती है जो भारत का संविधान बनाकर तैयार कर देती है। ये संविधान कब पारित होता आपका, तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पारित होता है, मतलब बनकर आपका तैयार हो गया, समझो पारित भी हो गया, उसके अंदर जो जो फीचर रखे गए यानी वो अब क्या हो गया विद्यार्थियों, बिल पास हो गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब 1949 में इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि ये मैंने क्या कहा पारित होना, लेकिन लागू आपका इस दिन से नहीं हुआ लागू विद्यार्थियों आपका, तब तक वही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही शासन चल रहा था। और इनमें से विद्यार्थी आपका जो बदलाव हुआ आपका कब हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसे हटाकर उसके जगह पर क्या गया, भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। एक सवाल इसी संडे को एक एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर देखूंगा, आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के तौर पर, केंद्रीय बैंक के तौर पर कार्य नहीं किया, ठीक है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद्यार्थी आप जानते हो कि क्या आपका सेंट्रल बैंक है। तो अभी संडे को एक एग्जाम हुआ था, किसी बच्चे ने मुझे भेजा था और आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है, पुराना सवाल है और कॉपी पेस्ट होता रहता है, आता रहता है, बस कंट्री का नाम बदल जाएगा। आरबीआई ने किस देश के अंदर सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं किया? ऑप्शन में था, ए था विद्यार्थी आपका पाकिस्तान, बी था विद्यार्थियों श्रीलंका, सी था इसमें
म्यांमार, और डी था विद्यार्थी इसमें इंडिया। क्या आप आंसर दोगे? आप आंसर क्या करोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ, सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं क्या? रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस देश के अंदर एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं किया? ये क्या विद्यार्थी आपका, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है ना रिजर्व बैंक को, तो क्या इसने पाकिस्तान के अंदर काम नहीं किया, क्या श्रीलंका के अंदर नहीं किया, या म्यांमार के अंदर नहीं किया, या भारत के अंदर? तो मैं आप लोगों से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जानना चाहूंगा। और ठीक है ना, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर प्रेजेंट है, आप लोगों का आंसर क्या हो सकता है लॉजिकली, अगर आप दोगे तो क्या दोगे? अगर नहीं आता है तो फिर भी सोच के आप लोग आंसर दे सकते हो, फिर भी देखिएगा, कोशिश कर लीजिएगा किस दिशा में आप जाओगे। म्यांमार, इंडिया में क्यों नहीं गया? इंडिया में तो रिजर्व बैंक क्या गए विद्यार्थी, इंडिया में तो कर रहा है, ठीक है ना, इंडिया में तो कर रहा है विद्यार्थी, इंडिया में क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया में रिजर्व आरबीआई तो है मेरे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में, समझो 1935 से। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान विद्यार्थियों, पाकिस्तान में 1948 तक आरबीआई क्या कर रहा था? आपका सेंट्रल बैंक का काम कर रहा था, यानी कि आरबीआई के पास ही जिम्मेदारी थी 1948 तक बैंकिंग की, कहां पर? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 1937 में अलग होता है भारत से, तो यहां पर लगभग 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक भारत ही रिजर्व बैंक का, वहां पर सेंट्रल बैंक का काम कर रहा था। और इंडिया में तो आपको पता है कि 1935 से कर रहे हैं, तो एक ही देश तो बसता है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर कभी भी भारत ने यानी आरबीआई ने केंद्रीय बैंक का काम नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर 1948 तक कर रहा है, म्यांमार के अंदर विद्यार्थी 1945 तक किया द्वितीय विश्व युद्ध तक, भारत के अंदर 1935 से अब तक कर रहे आरबीआई विद्यार्थियों केंद्रीय बैंक का काम, श्रीलंका के अंदर नहीं किया। ये संडे को देखो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं एग्जाम तो हुआ होगा। अब मैं तो आपके पास तो विद्यार्थियों यहाँ पर पब्लिक डोमेन में अपना नंबर तो इंडिया में विद्यार्थी हो, असम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, या तमिलनाडु हो, केरला, उड़ीसा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थियों के सवाल आते हैं उड़ीसा और तेलंगाना जो सवाल रहते हैं विद्यार्थियों का, अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड वाले बहुत कम, उत्तराखंड वाले बच्चे बहुत कम भेजते हैं, ठीक है ना, चलेगा। जानते ना आपका घर के है ना, इस वजह से ज्यादा नहीं भेजते होंगे, कि पास में ही है जाके पूछ लेंगे, चलेगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2021 को इसे कितने साल पूरे होंगे? इसके तहत क्या था? जो गरीब तबका था उनके बैंक अकाउंट खोलना, बाद में मेंटेन चार्ज करना, ठीक है ना, बाद में सर्विस चार्ज, कौन कौन से चार्ज लगेंगे, एसएमएस चार्ज, अकाउंट मेंटेन चार्ज, ठीक है, चलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2021 को इसे 7 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि ये 28 अगस्त 2014 को खोला गया था विद्यार्थियों, आप समझ, यानी कि ये योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत क्या था, जो गरीब तबका उसे बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। और सही भी है, आजकल आप लोग रेवड़ी वाले को भी देखेंगे, या आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू प्याज खरीदने जाते हो, तो स्कैनर होता है और अच्छा लगता है कि देखिएगा, बहुत अच्छी बात है ना कि दो पैसे विद्यार्थियों अगर बच जाते किसी के, तो बहुत अच्छी बात है ना, कि वो भी सब वर्चुअल करेंसी में बात हो रही है ना, वर्चुअली तो बात हो रही है सब कुछ, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट चलेंगे, वर्चुअल क्यों कहेंगे हम लोग, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल करेंसी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि जो करेंसी हमारे पास होती है, जो मार्केट में होती है करेंसी, उस वही तो विद्यार्थियों चलन में है, उसे तो कहते हैं आपका लिक्विडिटी कहा जाता है, उसे लिक्विड मनी भी कहते हैं, लिक्विड तरलता, यानी कि मार्केट में, चलो वो तो आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है, काफी कुछ विद्यार्थियों, क्रेडिट मनी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता, यानी चलेगा ना। अगले बढ़ेंगे, कौन सा क्रिकेटर 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास का पहला तेज गेंदबाज बन गया, ठीक है, जो 600 विकेट लिया इन्होंने, लेकिन तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में, ये कारनामा
स्पिन बॉलर जो आपके, यानी कि जो स्पिन विद्यार्थी बॉलर स्पिनर होते हैं ना, तो वो पहले ही कई सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने 600 से ऊपर विकेट लिए, लेकिन ऐसा कारनामा करने वाले पहले तेज गेंदबाज जो बने तो जेम्स एंडरसन है, कहाँ के, इंग्लैंड के विद्यार्थी जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने 600 टेस्ट विकेट लेने का श्रेय जाते हैं ना, ठीक है ना। आगे चलेगा, विश्व बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यह विद्यार्थी आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया गया, तो इसमें अपने इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की रैंक है 48वीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में अपनी रैंक कौन सी है, 48वीं रैंक है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में। जो भारत की रैंक है विद्यार्थियों कौन सी है, तो 48वीं रैंक है, 48वीं रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुभवी फुटबॉलर पाओ विद्यार्थी राशि जो 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया था इनका 2020-21 में विद्यार्थियों, ठीक है। तो 1982 विश्व कप के दौरान वह किस देश के शीर्ष स्कोरर है, अब हमें यह तो याद रखना है सिर्फ आपको पाओ विद्यार्थियों, पाओलो राशि जिनका निधन हुआ, तो ये कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, तो ये इटली, समझो इटली कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, एक फुटबॉलर थे। दो चीज इनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, इटली। इटली कैपिटल कहां पर है, रोम के अंदर। इटली की कैपिटल कहां विद्यार्थियों, रोम। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने दिया गया, कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी थी, ये महिला विद्यार्थियों पर समझो, इसके तहत कुछ सहायता राशि दी जाती थी विद्यार्थियों, कन्या सुमंगला योजना, तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। आप डायरेक्टली मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कि इस योजना में क्या था, चलेगा। नेक्स्ट चलेंगे, 2020 में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था, 2020 में गूगल में सबसे ज्यादा जो शब्द खोजा गया था वो क्या खोजा गया था, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। वर्ष 2020 में भारत में शीर्ष ट्रेंडिंग जो व्यक्तित्व कौन सा था, यानी कि अभी दिसंबर में 2021 का जारी हो जाएगा, दिसंबर 2021 में विद्यार्थियों आपका पूरे 2021 के अंदर कौन सा व्यक्ति, कौन सा शब्द जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा, ठीक है। तो इस बार तो किसान आंदोलन ही रहेगा सबसे ज्यादा विद्यार्थियों, भारत में अगर चर्चा में रहा तो किसान आंदोलन ही सबसे ज्यादा, ठीक है। तो चलेगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो बाइडेन, ठीक है ना, जो बाइडेन 2020 में भारत में शीर्ष ट्रेंडिंग जो व्यक्तित्व पर रहे विद्यार्थियों कौन थे, जो बाइडेन, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2021 में रैंक जारी की गई, तो अपने इंडिया की रैंक कौन सी रही, तो इसमें इंडिया की रैंक रही 10वीं रैंक। आप जानते हो विद्यार्थियों COP 26 होने वाला है, और अगले महीने ही COP 26 को होना है। COP 26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वीं, ये क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पर क्या आपका सम्मेलन है, विश्व बिरादरी के द्वारा ये सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। लास्ट टाइम पर COP 25 हुआ था, जो पहले चिली में होना था, चिली ने मना कर दिया, तो फिर स्पेन के अंदर होता है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड के अंदर, जलवायु परिवर्तन पर समझो ये सम्मेलन। आप जानते हो ना कि 6G, 4G, 5G इस तरह से आपका जनरेशन के अलग अलग वाहनों को जो व्हीकल के विद्यार्थियों सीरीज आई है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये निर्धारित किया गया कि आप कार्बन उत्सर्जन का रेशियो कितना रखते, समझो देखिएगा, तो ये चीज भी ध्यान देना। तो COP 26, तो ये COP 26 जो होगा आपका कहां पर, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा। जलवायु परिवर्तन पर जो समिट है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो 2021 में आयोजित होगा मेरे विद्यार्थी, कहां पर होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इसे आयोजित होना है। आए समझ में, चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल, किस देश ने या किस पर्वत चोटी की हाल ही में नेपाल और चीन के द्वारा कहा गया कि 86 सेंटीमीटर इसे
इसकी ऊंचाई को और बढ़ा हुआ घोषित किया गया या 0.86 मीटर, ठीक है ना, 8,848 तो पहले से था, उसमें 0.86 मीटर से बढ़ा हुआ घोषित किया गया इसकी ऊंचाई को। तो किसके बाद, जो नेपाल में अर्थक्विक आया था, जो भूकंप आया था, उसके बाद ये मेजर किया गया, ठीक है, और कहा गया इसकी ऊंचाई 0.86 मीटर ऊंची, ठीक है। तो देखिएगा ये किसके द्वारा, तो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर, नेपाल के अंदर, जहां इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, आप लोगों को याद होगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस राज्य के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया। विच स्टेट दांदुपुर रेलवे स्टेशन टू बी रिनेम्ड एज द मां बाराही देवी धाम कर दिया गया। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, किसकी बात कर रहे हैं मेरे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई 1997 में विद्यार्थी आपका एस्टैब्लिश होता है, 1997 में इसकी स्थापना होती है, और इसके अध्यक्ष पहले राम सेवक शर्मा थे, जो अब आयुष्मान भारत योजना के सीओ हैं, जो आयुष्मान भारत योजना है उसके सीओ हैं, और वर्तमान समय पर इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ट्राई के, यानी भारत में टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, ट्राई के पास है। ये भारत के अंदर जो टेलीकॉम क्षेत्र है विद्यार्थियों से क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है ना, चलेगा विद्यार्थी। देखिएगा आजकल बहुत कम विद्यार्थी क्लास में प्रेजेंट है, सभी लोग जब भी क्लास में आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ विद्यार्थी क्लास को आपको शेयर भी करना है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय अमेरिकन जो उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए, तो कौन है, कमला हैरिस, ठीक है। आपसे ये ना पूछते हुए पूछा गया कि कमला हैरिस कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, एक आपका डेमोक्रेटिक और दूसरा आपका रिपब्लिकन, समझो कमला हैरिस वहां पर कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपका। नेक्स्ट चलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो साहित्य पुरस्कार है 2020 में, इससे किसे सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किया गया वो किसे किया गया, राज कमल झा को, उनकी कौन सी बुक के लिए, तो वो मैंने आपको बताया था उनकी कौन सी बुक के लिए, द सिटी एंड द सीगर के, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट चलेंगे, फुटबॉल के दिग्गज डिएगो मैराडोना नवंबर 2020 को इनका निधन हो गया, तो ये कौन सी, किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेले हैं, तो ये कौन से विद्यार्थी आपका, तो ये याद रखेगा आपका क्या आएगा, अर्जेंटीना, किसे, अर्जेंटीना, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, अर्जेंटीना, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट विद्यार्थियों फेस्टिवल का नौवां संस्करण कहां आयोजित किया गया, तो ये तो विद्यार्थियों सैंड आर्ट, ठीक है ना, ये कहां पर आपका, तो ये मेरे विद्यार्थियों पूरी ओडिशा में, ठीक है, और भारत में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट के नाम से आप लोग जानते हो सुदर्शन पटनायक, आपको याद होगा सुदर्शन पटनायक भारत में जो प्रसिद्ध यानी कि क्या है, सैंड आर्टिस्ट है, ठीक है ना, क्या है विद्यार्थियों, एक बालू कलाकार, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, वो भी ओडिशा को ही यानी ओडिशा राज्य को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। चलिए, ओडिशा के अंदर आपको याद हो तो 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, तो वो हमारा कहां पर होगा, तो ओडिशा राज्य के अंदर ही होगा हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में, तो इसे ओडिशा राज्य ही क्या करेगा, होस्ट करेगा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो चलेगा, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मेरी अगली क्लास का समय भी हो रहा है, तो मेरे विद्यार्थियों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग सुबह मॉर्निंग में 5 बजे क्लास में प्रेजेंट रहेगा, और मैं आपको बता दूं मैं 4:45 पे स्टूडियो में मौजूद होता हूं, लेकिन क्लास को शुरू करते करते विद्यार्थियों 5:05 या 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है ना, आजकल प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रही है, सिस्टम स्लो हो रहा है मतलब, ठीक है।
तो क्लास को शुरू करते करते इतना समय लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग इंतजार जरूर करेगा क्लास का, और क्लास में डेली पेशेंस रखेगा, बने रहेगा। वैसे आप लोग सुबह 5 बजे अगर उठ रहे तो कहीं ना कहीं आप में एक उत्सुकता है पढ़ने की, और अपने लिए आप लोग काफी ईमानदार भी हो, लॉयल भी हो मेरे विद्यार्थी हो, ठीक है, तभी तो 5 बजे उठ रहे हो। नहीं तो बहुत सारे हमारे जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर क्यों कहूंगा मैं, जो लेट नाइट सोते हैं और सुबह देर में उठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ कि जो रात में 1 बजे सोए होंगे या 2 बजे सोए होंगे और सुबह 5 बजे की क्लास लेने के लिए उठ गए, क्योंकि आज के समय पर करंट अफेयर हो तो जो आपका स्टैटिक जीके बनता है या आपका जो सवाल पूछ भी रहा जीएस का, तो वो करंट अपडेट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ चीजें मैं आपको बताता भी नहीं, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज आपको बता रहा हूं और उससे आगे बढ़ रहा हूं। डेली का 50-60 सवाल अगर आपके आ रहे तो वो कुछ रिविजन और कुछ विद्यार्थी आपका नया सवाल, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल 5 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।